स्वागत है एक नई रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक खास आयुर्वेदिक ड्रिंक जिसका नाम है लेमन टी। 100 रोगों की एक दवाई लेमन टी पियो भाई। तो वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते और बनाना शुरू करते हैं। हर एक सिप में छुपा है स्वाद का राज, ये है हाजमोला लेमन टी चाय। सर्दी हो या खांसी, जुखाम हो या बुखार, गले की खराश, वोमिट होना या हो आपका चक्कर आना, जी मचलाना, सारे प्रॉब्लम्स की बस एक दवाई लेमन टी चाय पियो भाई। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक मार्केट है। उस मार्केट में एक दादाजी आते हैं, 60 और 65 साल के बीच में हैं और सर के ऊपर लेकर आते हैं। तो जब भी मैं गांव जाने का मौका मिलता है तो मैं उनके हाथ की लेमन टी चाय जरूर पीता हूँ। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं। उनसे पूछा, कई बार ट्राई किया, उन्होंने बताया भी, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए और कुछ उन्होंने हाइड किया। लेकिन उनके चाय की जो खुशबू और वो चाय पीने का जो वहाँ के लोगों का स्टाइल है वो अलग ही है। कुछ मैंने वैसा ही ट्राई किया है बनाने का, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% इस रेसिपी से मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये जो मैंने हाजमोला डाला है ये सीक्रेट रेसिपी है और ये हाजमोला डाल के ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। बच्चे हो या बूढ़े, किसी को भी पिलाइए लेमन टी, सबको जरूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। आज के टाइम पे जहाँ पे लोग चीनी को बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसको खाते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो यहाँ पे चीनी नहीं है, ना ही इसमें मैंने गुड़ डाला है, हनी डाला है, तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जैसे मैंने गार्निश किया है, इस गार्निश के हिसाब से ऐसे ही अगर आप पियेंगे तो और टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो इसमें चाट मसाला और इसमें हल्का सा मैंने नमक लगाया तो उसकी जो सिप आएगी वो बहुत ही टेस्टी होगी। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो या रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जल्दी आने वाली वीडियो का आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।